गोरखपुर में एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने ITMS के जरिए एक राहगीर का खोया बैग बरामद किया है। दिलचस्प है कि बैग में 60,000 नकदी और 1,00,000 के जेवर भी थे, जिसे बैग समेत सकुशल बरामद कर राहगीर को ट्रैफिक पुलिस ने सौंपा है, जिस पर राहगीर ने ट्रैफिक पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान SP ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया है कि लगातार ITMS के जरिए राहगीरों का खोया बैग और सामान बरामद किया जाता है। इसी कड़ी में कल शहर के एक राहगीर का बैग ऑटो में छूट गया था, जिसे ITMS की मदद से बरामद किया गया है। SP ट्रैफिक ने बताया है कि बैग में 60,000 नकद और 1,00,000 का जेवर रखा था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए SP ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया, ITMS के सहयोग से एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें कि अमूमन इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि बहुत लोगों का सामान वाहनों में छूट जाता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट छूट जाता है, उसको ITMS के थ्रू ट्रेस किया जाता है और पीड़ित को उसको वापस किया जाता है। इसी क्रम में कल एक स्थानीय व्यक्ति थे जिनका एक बैग छूट गया था 3 व्हीलर में, उसमें 60,000 रुपये कैश थे, 1,00,000 लगभग की ज्वेलरी थी। उसको ITMS कर्मियों द्वारा बहुत परिश्रम के बाद रिकवर किया गया, सामान ट्रेसिंग के बाद इसको रिकवर किया गया और पैसे को और जैसे कुछ वापस किया गया। व्यक्ति ने बहुत बहुत धन्यवाद किया है ITMS को और अदर।